खुल चुका है काले कपड़े का राज, दामिनी ने लगाया बिल्कुल सही अंदाजा। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जब राधा रसोई में नाश्ता बना रही होती है तब उसे भी आवाज लगाई जाती है नाश्ते के लिए। राधा को ये सुनकर खुशी होती है लेकिन वो ये नहीं जानती कि नाश्ते में मामा बुला रहे हैं। राधा बाहर जाकर देखती है सभी को मामा की देखरेख करते हुए, राधा को बहुत ही गुस्सा आता है। मामा जो है राधा को नाश्ता करने के लिए अपने पास बैठाते हैं और उसको जो है छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिस पर राधा को जो है गुस्सा आ जाता है, वो जोरदार तमाचा मारती है लेकिन ये केवल राधा का ख्वाब होता है। जब राधा का ख्वाब टूटता है राधा जो है गुस्से में वहाँ से जाने वाली होती है लेकिन मामा रोक लेते हैं और उसको गिफ्ट के तौर पर कंगन देते हैं, उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे पहनाने की कोशिश करते हैं, जिस पर राधा को जो है गुस्सा आता है, वो मामा को धक्का देकर वहाँ से आ जाती है। और इतना ही नहीं, दामिनी को भी डाउट हो चुका है अपने मामा के ऊपर कि वो राधा को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं। राधा के इस बर्ताव को देखकर सभी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि राधा ने आज तक ऐसा नहीं किया था। मोहन भी हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार राधा ने ऐसा क्यों किया। तो उधर केतकी जो है ख्वाब देखती है, इसमें वो बैठी हुई होती है और पीछे से काले कपड़े वाला आता है। दरअसल काले कपड़े वाला और कोई नहीं बल्कि मामा है। जब केतकी का ख्वाब टूटता है तब वो पसीने पसीने हो जाती है, यहाँ तक कि वो नाश्ता करने के लिए भी बाहर नहीं जाती। साथ ही केतकी ये भी कहती है कि राधा काश हम तुम्हें सारा सच बता पाते। उधर राधा जब अपने कमरे में पहुँच जाती है पीछे पीछे मामा भी पहुँच जाते हैं। राधा को धमकी देते हैं कि हमने तुम्हें केवल इसलिए रोका है क्योंकि तुम हमें अच्छी लगी, ना कि हमने मोहन के लिए। चाहकर भी हमारा राज किसी के सामने बताने की कोशिश मत करना क्योंकि कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। देखना ये होगा कि आखिरकार मामा काले कपड़े पहनकर घर में क्यों घूमता था और केत की मामा के बारे में और क्या क्या जानती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।